गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन बी एस सी पार्ट सेवन हम कर रहे थे कैनाल सिस्टम इन स्पेन, कैनाल सिस्टम इन स्पेन, स्पंदों में नाल तंत्र, स्पंदों में नाल तंत्र, नाल तंत्र। कल हमने ये पढ़ा था कि पोरी सेवा के जितने भी मेंबर होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ पोरी सेवा सभी सदस्य स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। और हमने स्तंभ में नाल तंत्र है, कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम नाल तंत्र होता है। इस नाल तंत्र को तीन भागों में डिवाइड किया था हमने, एस्टेरॉइड, कैनाल सिस्टम नंबर दो साइकोनॉइड, कैनाल सिस्टम नंबर चार एस्टेरॉइड कैनाल सिस्टम, साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम और तीसरा है ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। तो कल हमने एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ये सबसे सिंपल सिमेट्री टाइप का कैनाल सिस्टम होता है और ये ल्यूकोफिलिंग यानी पाया जाता है। ल्यूकोफिलिंग में दो तरह की साइज होती है, इसके अंदर दो तरह की साइज होती है, जो हमने पता है एक बाहर की ओर मिनोकोडाइन और अंदर की ओर कोरोनोडाइन, और एक अंदर की ओर सेल होती है फिनोटाइप और अंदर की होती है क्रोमोटाइप सेल कहलाती है। ये कल हमने पढ़ा था, आज पढ़ेंगे एस्केलॉइड कैनाल सिस्टम। इसमें एस्केलॉइड कैनाल सिस्टम, इस कैनाल सिस्टम के बारे में क्या डिफरेंट है और डिफरेंट क्या है आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ ये डायग्राम है इसका, तो इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको सेल्स होती है और इन सेल्स के अंदर जो इसका सबसे बाहर बाहर होता है इसका नाम होता है ओस्कुलम, सबसे बड़ा अंग होता है। यहाँ छोटे छोटे रंग होते हैं, इन छोटे छोटे रंग
इनको बोलते हैं औस किया, और इन जहाँ इन सेनाएं निकलती है, जहाँ इन सेनाएं का नाम है रेडियल कैनाल, जो अंदर खुलती है रेडियल कैनाल और जो वापस खुल जाती है बाहर की ओर, ये लड़ाई इन करंट कैनाल। यहाँ एक बहुत बड़ी चौकी होती है बीच में, इसका नाम है स्पंद सील, इसका नाम है स्पंदो सील, स्पंद गुहा भी इसको बोलते हैं। और ये जो स्पंद सील है, तो इसके अंदर जो वाटर करंट है, पाथ ऑफ वाटर, पाथ ऑफ जल का प्रवाह कैसे होगा, जब जल के द्वारा श्वसन, उत्सर्जन, परिसंक्रमण और विभिन्न प्रकार के जो उपापचय क्रियाएं हैं वो कैसे उसके द्वारा जाएंगी, वो हमें चित्र के द्वारा एक आउटलाइन के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले ओस्टिया इनकॉन कनाल जहाँ इनकॉन कनाल से दोस्तों पाएंगे पायल के द्वारा में ये रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल से वापस ऑटो पायल, ऑटो पायल से स्पंद सील, और स्पंद सील से ओस्लम, और ओस्लम से अर्जुन बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये क्रिया इसमें चलती रहती है, और ये कब तक चलती रहेगी, ये जब तक चलती रहेगी, जब तक कि ये अंदर वाला पार्ट है ऑटो पायल, और फिर ये क्रिया कब तक होती रहेगी, और जब तक कि फाल्कन के अंदर सभी श्वसन उत्सर्जन परिसंचरण की क्रिया पूर्ण रूप से सक्षम न हो जाए। यहाँ दो तरह की सेल सामने आती है, इसका आउटर सेल न्यूकोडर्म और कोनोडर्म। न्यूकोसाइट, न्यूकोसाइट और कोनोसाइट, कोशिकाएं भाग लेती हैं, ठीक है ना। किडनी साइड और कोरोना साइड कोशिकाएं इस क्रिया के अंदर भाग लेती हैं।